Okay. Can anyone, sorry, can any, everyone can see the screen properly? सब लोग देख सकते हैं स्क्रीन को? ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, पॉपुलेशन. ओके, इफ यू हैव द टेक्सटबुक विथ यू, प्लीज कीप योर टेक्सटबुक विथ यू एंड अ पेंसिल विथ यू. सो मैं कुछ इंपॉर्टेंट अगर दूंगा मार्क करने के लिए, तो आपको मार्क करना पड़ेगा. द नेम ऑफ द चैप्टर इज पॉपुलेशन. ठीक है, माई फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई वी आर लर्निंग दिस चैप्टर. चलो कोई मुझे आंसर देगा फटाफट, चैट बॉक्स में मेरे को आंसर देना कि वाई वी आर लर्निंग अबाउट पॉपुलेशन. और मुझे आंसर्स चाहिए. आप दिस लेक्चर शुड बी इंटरैक्टिव. तो वॉट इज द रीजन दैट वी आर लर्निंग अबाउट पॉपुलेशन? चलो फटाफट चैट बॉक्स में मेरे को बताओ. मैं देख रहा हूँ किसी का रिप्लाई अभी तक आया नहीं है. टू नो हाउ मेनी पीपल आर अलाइव. ओके सही है, कितने लोग जिंदा है वो भी जानना जरूरी है. गुड वन अथर्व. टू नो मोर अबाउट वर्ल्ड. ओके, या मेरे को आंसर्स आ रहे हैं, अच्छे अच्छे आंसर्स आ रहे हैं. और सिर्फ दो ही स्टूडेंट ने बताया है, श्रेया और अथर्व ने. टू अंडरस्टैंड द नंबर ऑफ पीपल एंड वेरियस क्लासेस ऑफ पीपल ऑफ आर कंट्री. ओके गुड आंसर, गुड वन अमकार. ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के बारे में भी जानना जरूरी है. करेक्ट मीत. ओके, टू हैव अ बैलेंस, दैट इज ऑल्सो करेक्ट आंसर. सो यू आर गिविंग गुड आंसर्स, गुड, अच्छा आंसर्स दिया आपने. अभी पॉपुलेशन के बारे में हम लोग क्यों पढ़ते हैं, यही सब चीजों के बारे में है कि पॉपुलेशन, वाई वी लर्न अबाउट पॉपुलेशन इज द रीजन दैट बिकॉज पॉपुलेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स विच वी हैव. अभी रिसोर्स का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना. रिसोर्स मतलब क्या है, एनी थिंग विच इज यूजफुल टू अस इज कॉल्ड एज रिसोर्स. ठीक है, एनीथिंग विच इज यूजफुल टू अस इज कॉल्ड एज रिसोर्स. ठीक है, तो हम लोग कार यूज करते तो कार भी हमारे लिए रिसोर्स हो गया. हमने ट्रीज यूज किया है तो फॉरेस्ट भी अपने लिए रिसोर्स हो गया. वैसे पॉपुलेशन इज ऑल्सो रिसोर्स. राइट नाउ आई एम अ रिसोर्स टू यू, येस और नॉट? ठीक है, आई एम टीचिंग यू, आई एम प्रोवाइडिंग यू द नॉलेज, सो आई एम अ रिसोर्स टू यू. तो पॉपुलेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स. पॉपुलेशन अगर नहीं होता था ना, ह्यूमन अगर नहीं होता था, तो बाकी सब भी रिसोर्सेस नहीं होते थे. ठीक है, अभी हम लोग अभी कैसे है कि ह्यूमन है, इसके लिए हम लोग फायर यूज कर रहे हैं. ठीक है, हम लोग ही वाटर यूज कर रहे हैं, हम लोग ही सॉइल यूज कर रहे हैं, हम लोग ही मिनरल यूज कर रहे हैं. तो अगर हम ही एग्जिस्ट नहीं होते थे तो ये सब चीजें रिसोर्स नहीं बनते थे, ये सब चीजें एलिमेंट होते थे. ठीक है, पॉपुलेशन इज द इंपॉर्टेंट रिसोर्स बिकॉज पॉपुलेशन मेक्स अदर एलिमेंट्स एज अ रिसोर्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसके लिए हम लोग पॉपुलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं ये चैप्टर में, कि पॉपुलेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, पॉपुलेशन को कैसे काउंट किया जाता है, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ जाता है, वो देखते हैं. अभी देखो आपके टेक्स्ट बुक में पहले पेज में फाइंड आउट करके देखो, आपको बॉक्स दिख रहा है, उसमें आपको कुछ फाइंड आउट करने बोला है जो आप बाद में भी कर सकते हो, बट मैं आपको उसका आइडिया देता हूँ. उसके क्वेश्चंस पढ़ते हैं हम लोग तो अपने को समझ में आएगा. ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन वहां पे है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास. सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा कि आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं. तो एक्स वाई जेड होगा, 80 होगा, 50 होगा, 100 होगा, जैसे भी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास कितने बॉयज है और कितने गर्ल्स है, मतलब लोग थोड़ा सैग्रीगेट करने के लिए बोल रहे. ठीक है, उसमें आपने और एक उन्होंने पूछा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, मतलब पूरे स्कूल में कितने बच्चे हैं. ठीक है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन योर स्कूल. पहले आपके क्लास के बारे में पूछा, अभी स्कूल के बारे में पूछ रहे हैं. विच क्लास हैज मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स एंड विच क्लास हैज मोस्ट एब्सेंटीज. अभी ये जब आप निकालते हो तो ये स्कूल लेवल पे निकाला. अभी ये सेम चीज है ना, ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा बड़े लेवल पे भी होता है, मतलब ये कंट्री का भी होता है. कंट्री के भी हम लोग व्हेन वी काउंट पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, तो हम लोग गिनते हैं कि कितने लोग हैं पूरे कंट्री में. ठीक है, उसमें से कितने मेल है और कितने फीमेल है. ठीक है, कितने बर्थ्स हुए और कितने डेथ्स हुए. इसमें देखो एब्सेंटीज बोला है, तो इन इन अब जब हम लोग कंट्री का पॉपुलेशन काउंट करते हैं तो डेथ्स काउंट करते हैं. ठीक है, उसमें एब्सेंट नहीं बोलते कितने लोग एब्सेंट है. ठीक है, हम लोग वहां पे क्या बोलते हैं कि वी टेल इट एस कितने का कितने मरे हैं और कितने कितने बॉर्न हुए, दैट इज बर्थ्स एंड डेथ्स. ठीक है, अभी मैं वो ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पढ़ने वाला हूँ, तो आपको समझेगा थोड़ा डिटेल में. इन द अबाउ एक्सरसाइज यू यू ऑब्टेन्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट्स इन योर स्कूल.
In a similar manner, information can be obtained about the population at village level, taluka level, district level, state level, nation, that is country and world. While obtaining this information, we have to also consider the age and sex ratio and literacy. अब ये एज सेक्स रेशियो और लिटरेसी के बारे में हम लोग आगे जाके डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो अभी हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग जब पॉपुलेशन काउंट करते हैं, व्हेन वी काउंट पॉपुलेशन, उसको एक टर्म दिया है, ठीक है, उसको एक टर्म दिया है, उसको बोलते हैं सेंसस। चाहिए तो वहां पे पेंसिल से लिख देना आपके टेक्स्ट बुक में, CENSUS, सेंसस। सेंसस मीन्स काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन। सेंसस का मतलब क्या है? काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। अभी हम लोग ये सेंसस है ना, इंडिया में हर 10 साल में करते हैं। सेंसस इन आर कंट्री इज कंडक्टेड एवरी 10 ईयर्स। लास्ट सेंसस कब हुआ था? 2011। कब हुआ था? 2011। नेक्स्ट सेंसस कब होगा? अगले साल 2021। सबसे पहला सेंसस कब हुआ था? 1951 आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। अभी ये हर 10 साल में क्यों करते हैं सर? आपके इसमें क्वेश्चन आया रहेगा ना कि सर 10 साल में क्यों करते हैं, 2 साल में क्यों नहीं, 4 साल में क्यों नहीं है? उसका रीजन क्या मालूम है बच्चों? कि 2 साल में 4 साल में हमको प्रॉपर आइडिया नहीं आएगा कि कितना पॉपुलेशन ग्रो हुआ है, समझा? 10 साल में हमको बराबर से पता चलेगा कि कितना पॉपुलेशन ग्रो हुआ है अभी। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, मेरा एक डाउट है कि व्हाई वी आर काउंटिंग पॉपुलेशन, क्या मेन रीजन हो सकता है कि हम लोग ये पॉपुलेशन काउंट कर रहे हैं, ठीक है? Why we check the population every 10 years? अगर उसको अनचेक रखेगा या उसको काउंट नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा? Yes, ओमकार ने आंसर दिया है, टू फाइंड इफ द रिसोर्सेज आर इनफ। करेक्ट, जितना पॉपुलेशन है उतना रिसोर्स भी होना चाहिए ना। अगर आप पॉपुलेशन काउंट नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके पास कितना रिसोर्सेज अवेलेबल है पॉपुलेशन को मीट करने के लिए। आपको इसको एक सिंपल एग्जांपल में देता हूं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, ओमकार का बर्थडे है, ठीक है, ओमकार को ही लेते हैं, ओमकार का बर्थडे है। तो ओमकार अपने मम्मी को जाके बोलता है कि मेरा बर्थडे है तो मैं घर पे मेरे फ्रेंड्स को बुला रहा हूं, तो आप कुछ अच्छा सा खाना बना दीजिए, ठीक है। ओमकार बोलता है किसको? अपने मम्मी को। उसकी मम्मी पूछती है ओमकार को कि कितने फ्रेंड्स आने वाले? तो ओमकार बोलता है वो तो मुझे पता नहीं बट फ्रेंड्स आ रहे, ठीक है। मतलब ओमकार काउंट नहीं दे रहा है। अभी ओमकार के फ्रेंड्स आते हैं, मम्मी ने खाना बनाया है लेकिन खाना कम पड़ जाता है, ठीक है, तो बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे ही चले जाते हैं। तो इधर किसका गलती हुआ? ओमकार का गलती हुआ कि ओमकार ने काउंट नहीं दिया कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने फ्रेंड्स आ रहे हैं, ठीक है, इसके लिए खाना कम पड़ गया। समझ में आ रहा है? वैसे ही अगर अपने कंट्री का पॉपुलेशन हम लोग काउंट नहीं करेंगे ऑन अ रेगुलर बेसिस तो अपने को पता नहीं चलेगा कि अपने पास कितना रिसोर्सेज है। तो अगर रिसोर्सेज कम है तो कहाँ से उसका अरेंज कर सकते हैं? समझ में आ रहा है? दैट्स वाई काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड इट इज कंडक्टेड इन आर कंट्री एवरी 10 ईयर्स, ठीक है। तो पॉपुलेशन काउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मैं वापस वो पैराग्राफ पे आता हूँ, ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन का सेकंड पैराग्राफ। While obtaining this information, we have to also consider the age, sex ratio, and literacy. Several factors are responsible for the development of region. Development of region मतलब क्या है? अभी हम लोग मुंबई सिटी में रहते हैं, तो मुंबई सिटी डेवलप्ड है ना? क्यों? डेवलपमेंट मतलब क्या है? यहाँ पे आपके पास मेट्रोज है, AC बसेस है, आपके पास बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, मॉल्स हैं, ठीक है, तो ये डेवलप्ड होने का एक साइन है। लेकिन ये रीजन जब डेवलप होता है ना, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं डेवलप होने के लिए, ठीक है। लेकिन उसमें से एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर अ डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन। प्लीज अंडरलाइन दैट सेंटेंस। आउट ऑफ दिस, पॉपुलेशन इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन, ठीक है, इसको अंडरलाइन करना, ओके। बिकॉज पॉपुलेशन नहीं रहेगा तो वो एरिया डेवलप नहीं होगा। जब तक उधर लोग नहीं आएंगे तब तक डेवलप, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। व्हाइल स्टडिंग द पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन, आई एम कंटिन्यूइंग विद दैट पैराग्राफ, व्हाइल स्टडिंग द पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स हैव टू बी कंसिडर्ड।
ये हम लोग डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट वाला है पॉपुलेशन ग्रोथ, दूसरा वाला है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन. ये एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं. आगे बढ़ते हैं. अभी नीचे देखो एक टेबल दिया है, ये एक एक्टिविटी है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपको उसको उसका टोटल निकालना है. अभी यहाँ पर दो सिटीज दिए, ठीक है, ए और बी, दोनों का पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2016 इज 1 लाख एंड 1,10,000. अब वो लोग क्या बोलते हैं कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न, सिटी ए में 2,000 बच्चे पैदा हुए हैं और सिटी बी में 2,750 बच्चे पैदा हुए, मतलब अपने को इसको ऐड करना है, ठीक है. फिर टोटल नंबर ऑफ डेथ्स, ए सिटी में 1,500 है और बी सिटी में 2,200 है, तो इसको हमको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि डेथ से ये चले जाएंगे. पीपल हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम आउटसाइड, माइग्रेटेड मतलब क्या है, दे हैव मूव फ्रॉम अदर स्टेट्स एंड अदर डिस्ट्रिक्ट्स, वो लोग दूसरे गांव से और दूसरे शहर से इधर आए हैं, ठीक है. तो माइग्रेट मतलब अभी सिटी में आ रहे, तो इसको ऐड करना पड़ेगा. सिटी ए में 23,000 है और सिटी बी में 15,000 है. पीपल हु हैव माइग्रेटेड आउट मतलब वो सिटी दूसरे गांव और दूसरे शहर में गए या दूसरे कंट्री में गए, तो इधर 2,000 है उधर 5,000 है. आपको क्या करना है, आपको अभी टोटल पॉपुलेशन का अमाउंट निकालना है, सॉरी द फिगर निकालना है. तो मेरा अभी यही है कि अभी मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, आप ऐड करके मुझे फिगर बता देना. मेरे को ऑलरेडी एक ने आंसर कर दिया है, बाकी को भी मैं टाइम देता हूँ. जस्ट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट सिटी ए, वो होने के बाद में सिटी बी का भी करना, फिर हम लोग देखते हैं कि किसका पॉपुलेशन ज्यादा है और किसका पॉपुलेशन कम है. You need to reply the answer on the chat box. अभी तक मुझे ओमकार ने आंसर दिया, मैं अभी तक बता रहा नहीं हूँ करेक्ट आंसर क्या है. आई एम जस्ट चेकिंग द आंसर्स, उसके बाद में मैं बताऊंगा आंसर क्या है. तो अभी तक मुझे ओमकार ने आंसर दिया है और श्रेया फ्रॉम साइधाम ने हाफ दिया है, अभी तक सिटी ए का दिया है, सिटी बी का नहीं दिया अभी तक. बाकी सब भी ट्राई करना है और मुझे रिप्लाई करना है. दिस इज एन एक्टिविटी. फटाफट फटाफट दो आंसर आ गए मेरे को, आई एम वेटिंग फॉर टू फॉर ए रिप्लाई. ओके, आई गॉट एन आंसर फ्रॉम दीपिका फ्रॉम साइनाम. फ्रॉम श्रेया फ्रॉम घाटकर घाटकोपर, शुभ्रा फ्रॉम डीएन नगर. बाकी लोग बहुत स्लो है, बाकी लोगों का साबुन बहुत स्लो हो रहा है. फटाफट श्रेया फ्रॉम साइधाम, उनका भी आंसर आया मुझे अभी. चंदन फ्रॉम विले पार्ले. ओके, सो विल जस्ट डिस्क्लोज द आंसर. द करेक्ट आंसर फॉर सिटी ए इज 1,21,500. The correct answer for city A is 1,21,500, and the correct answer for city B is 1,20,500. मैं वापस रिपीट करता हूँ, द करेक्ट आंसर फॉर सिटी ए इज 1,21,500 एंड करेक्ट आंसर फॉर सिटी बी इज 1,20,500. सो इफ यू टॉक अबाउट पॉपुलेशन, सिटी ए का पॉपुलेशन ज़्यादा है और सिटी बी का पॉपुलेशन कम है. तो आपने देखा रहेगा 2016 में सिटी बी का पॉपुलेशन ज़्यादा था, दैट वॉज 1,10,000 इफ यू सी द टेबल, और सिटी ए का पॉपुलेशन कम था. बट 2017 में सिटी ए का पॉपुलेशन बढ़ गया है और सिटी बी का पॉपुलेशन कम हुआ है, ठीक है. सो यू कैन राइट
the answer with pencil in that table itself. Okay. चलो अभी इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं, वो क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करते हैं. आप लोग मुझे चैट बॉक्स पे उसका आंसर देना फटाफट. सबसे पहला क्वेश्चन देखो नीचे दिया है टेबल का, विच सिटी हैज ग्रेटर नंबर ऑफ न्यूली बॉर्न चिल्ड्रन. सिंपल एकदम, कौन से सिटी में सबसे ज्यादा है? इट्स सिटी बी. तो प्लीज राइट द आंसर इन पेंसिल, दैट इज सिटी बी. करेक्ट करेक्ट. नेक्स्ट वन इज विच सिटी रिकॉर्ड्स अ ग्रेटर नंबर ऑफ डेथ्स, कौन सा है? टेबल में देख के आंसर करना, कौन सा है? चलो मैं भी टेबल देखता हूं, मैंने भी टेबल देखा नहीं. यस इट इज सिटी बी अगेन. ओके, लुकिंग एट द फिगर्स इन माइग्रेशन एंड आउट माइग्रेशन, विच सिटी रिसीव्स मोर माइग्रेशन. तो आपको वो माइग्रेशन, इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन माइनस करना है. तो ऑब्वियसली इट इज सिटी ए. द करेक्ट आंसर इज सिटी ए. थर्ड क्वेश्चन का, कैलकुलेट द पॉपुलेशन ऑफ बोथ द सिटीज इन 2017. ये हमने कर दिया है ऑलरेडी, तो करने का जरूरत नहीं है. आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द पॉइंट्स, विच सिटी हैज रिकॉर्डेड मोर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन वन ईयर. तो आंसर क्या आएगा? लास्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा सिटी ए. एब्सोल्युटली करेक्ट. तो हमने ये एक्टिविटी कर लिया है. अभी हम लोग ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पे आते हैं. तो अभी ध्यान देना टेक्स्ट बुक पे, ठीक है? हम लोग एक नया टॉपिक चालू कर रहे हैं, दैट इज पॉपुलेशन ग्रोथ. पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या है कि पॉपुलेशन हर साल कितना ग्रो होता है और वो ग्रो होने के पीछे क्या क्या रीजंस हैं, ठीक है? सो पॉपुलेशन ग्रोथ, I'll be reading that paragraph and explaining simultaneously, so please concentrate over here. From the above exercise, it can be seen there is a constant change in the population. ठीक है, population या तो grow होता है या तो decline होता है, ठीक है? So the population is either growing or declining. So there are certain reasons for it. Sometimes there is a decrease in population and otherwise there is an increase in population. Now नीचे के जो है ना, दे जो नीचे दिए है ना, वो factors है which is related to population growth. सबसे पहला है बर्थ रेट, ठीक है? बर्थ रेट का मतलब क्या है? द नंबर ऑफ लाइफ बर्थ्स पर 1000 पीपल, मतलब 1000 लोगों के बीच में कितने बच्चे पैदा हुए, 1000 लोगों के बीच में कितने बच्चे पैदा हुए हैं उसको बोलते हैं बर्थ रेट. सपोज 1000 लोगों में 50 बच्चे पैदा हुए, तो दैट इज द बर्थ रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है? सेम वैसी डेथ रेट है. डेथ रेट में कैसे, नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल इन अ ईयर shows the death rate, ठीक है? मतलब 1000 लोगों में कितने लोग मरे हैं उसको बोलते हैं death rate. अभी ये तो population growth को affect करेगा ही ना. अगर birth rate ज़्यादा है तो population बढ़ेगा, और अगर death rate ज़्यादा है तो population कम होगा. समझ में आ रहा है? If the birth rate is more in a particular area, then the population will increase. But if the death rate is more in a particular area, then the population will decrease, ठीक है? तो ये रीजन है. ओके, नेक्स्ट वन इज द थर्ड वन इज इंटरेस्टिंग वन, दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी. ये आपने सुना नहीं रहेगा, पहली बार सुनने रहेंगे, ठीक है? इफ यू टॉक अबाउट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल एक्सपेक्टेड इन एन एरिया इज कॉल्ड एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ. मतलब पैदा होने से कितने साल तक वो जिया है, ठीक है? कितने साल तक वो जिंदा रहा है उसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी. हर एक कंट्री का लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है, ठीक है? इंडिया का इज अराउंड 68 इयर्स, ब्राजील इज अराउंड 72 इयर्स, जापान 89 इयर्स. मतलब वहां पे एवरेज बंदा 89 इयर्स तक जीता है, अपने यहाँ पे 68 है. इफ यू गो टू अफ्रीका, अफ्रीका में बहुत सारे कंट्रीज में वहां पे का लाइफ एक्सपेक्टेंसी 35-40. अभी आप पूछते रहेंगे सर इससे अपने को क्या पता चलता है, क्यों निकाला ये, व्हाट इज द रीजन? आपको पता है व्हाई वी कंडक्ट दिस लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये क्यों निकालते हैं हम लोग? जरा बताओ मुझे, कोई बता सकता है चैट बॉक्स पे? लेट अस सी कितना आता है. जनरल नॉलेज, व्हाट इज द रीजन दैट दिस लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज कंडक्टेड?
क्या मिलता है इससे अपने को? मैंने अभी आपको बताया ना, जापान में 89 इयर्स एवरेज होता है उनका, यूएसए में जाएंगे तो 80 to 85 है। नो उनका मैं बता देता हूं आपको, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम लोग इसके लिए निकालते हैं कि अपने यहाँ पे पॉपुलेशन कितना हेल्दी और कितना एफिशिएंट है वो पता चलता है। सी फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट जापान, नाउ जापान में इफ एन एवरेज पर्सन इज लिविंग अराउंड 89 इयर्स, मींस वहां पर जो फैसिलिटीज मिल रहा है उसको बहुत अच्छा है, इसके लिए तो इतना जिंदा रह रहा है वो, उसका हेल्थ बहुत अच्छा है। Why? Because he is getting all the basic facilities in a proper way. Now, if you talk about Africa, now the people who are staying in Africa, वहाँ पर का there are some countries, some places जहाँ पर life expectancy is only 34-35 years, मतलब उसके बाद में लोग survive नहीं करते। उसका मतलब क्या मालूम है कि वहाँ पर जो basic facilities है, जैसे कि water, food, health, ये बराबर नहीं है वहाँ पे। इसके लिए वहां पर का लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतना कम है। बट जापान में 89 क्यों है? बिकॉज ये फूड, हेल्थ, मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशन, ये सब सही तरीके से दे रहे हैं। इवन इंडिया इज ऑल्सो इट इज लेस, 68 ईयर्स बहुत कम है, बढ़ना चाहिए ये, ठीक है? और ये कब बढ़ेगा? इफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री गेट गुड फैसिलिटीज, ठीक है? तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी से पता चलता है कि अपना ह्यूमन रिसोर्सेस को फैसिलिटीज कैसे मिल रहा है। आई टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है? तो जापान, अमेरिका, जर्मनी, रशिया, वहां पर का लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा है बिकॉज दे आर गेटिंग प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फैसिलिटीज, दैट इज हेल्थ, फूड, क्लोदिंग, शेल्टर एंड मेडिकल फैसिलिटीज, ठीक है? तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसके लिए निकालते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बाद में है माइग्रेशन। पीपल माइग्रेट, माइग्रेट मतलब क्या है? मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ब्राजील का पॉपुलेशन बहुत कम है, मैं आगे बताऊंगा ब्राजील का पॉपुलेशन कितना है, इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, थोड़ा मैं इंटरेस्टिंग बाद में बताऊंगा, टेंशन मत लेना। तो उसमें आपको मैं बताऊंगा ब्राजील का कितना है, इंडिया का कितना है, ओके? चलो, माइग्रेशन मतलब क्या? मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अभी ये माइग्रेशन क्यों होता है? ऐसे तो नहीं ना कि आज उठ के चले गए हम लोग को, चलो आज बोर हो गए हम लोग बॉम्बे से, अभी चलो बैंगलोर जाके रहते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं, माइग्रेशन का रीजंस है, ठीक है? मेजरली माइग्रेशन इज डन फॉर जॉब, ठीक है? बहुत सारे लोग गांव से शहर आते हैं नौकरी के लिए, ये पहला रीजन है। दूसरा क्यों होता है? फॉर एजुकेशन, हायर स्टडीज के लिए भी माइग्रेट करते हैं। तीसरा क्यों होता है? फॉर मेडिकल फैसिलिटीज, मतलब उनके यहाँ पे वो मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है तो इसके लिए वो लोग शहर में आते हैं फॉर बेटर मेडिकल फैसिलिटीज, ठीक है? फिर बहुत सारे रीजंस है, मैरिज, ट्रांसफर ऑफ जॉब, ये भी बहुत सारे रीजन है। तो माइग्रेशन ये रीजन के लिए होता है। लेकिन जब माइग्रेशन होता है ना, तो एक एरिया का पॉपुलेशन बढ़ता है और दूसरे एरिया का पॉपुलेशन कम होता है, ठीक है? जब माइग्रेशन होता है, ओके? तो मैं वो अभी पैराग्राफ पढ़ने वाला हूँ माइग्रेशन का, तो ध्यान देना। The movement of an individual or a group of individual, or sorry, group of people out of an area into an area is called as migration. When people move into a region from outside for residence, it is called as migration. And when people move out of a region for a residence, that purpose is called as out-migration. Okay? तो माइग्रेशन का मैंने रीजन भी बताया, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ठीक है? आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। सबसे पहला है रूरल टू रूरल माइग्रेशन, मतलब एक गांव से दूसरे गांव में माइग्रेशन होता है। उसका रीजन क्या है? मैरिज, ठीक है? जब शादी होती है तो क्या होता है, एक गाँव की लड़की दूसरे गाँव में जाती है, दैट इज कॉल्ड एज रूरल टू रूरल माइग्रेशन। दूसरा है अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन, अर्बन टू अर्बन मतलब शहर से शहर, अर्बन टू अर्बन ज्यादातर ट्रांसफर ऑफ जॉब में होता है। सपोज यू आर वर्किंग इन मुंबई और आपका जॉब ट्रांसफर हुआ बैंगलोर में, ठीक है? दैट इज बेंगलुरु, तो उसको बोलते हैं अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन। नेक्स्ट वन इज रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। रूरल टू अर्बन तो बेस्ट है, मैंने अभी बताया था जॉब्स, ठीक है? लोग गाँव से आते हैं शहर में नौकरी के लिए, फॉर बेटर जॉब्स एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है?
कभी कभी अर्बन से रूरल भी होता है, मतलब शहर से गांव में, शहर से गांव में कभी होता है. व्हेन यू रिटायर्ड फ्रॉम योर जॉब, तो आप लोग बोलते हैं ना कि बस हो गया सिटी लाइफ, नाउ वी हैव टू गो एंड स्टे इन द इन आर नेटिव प्लेस, हमारे गांव में जाके रहेंगे आराम से, थोड़ा सुकून का जिंदगी रहेंगे. तो वो उसको बोलते हैं अर्बन टू रूरल पॉपुलेशन, दैट इज माइग्रेशन. ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के माइग्रेशन होते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पैराग्राफ पे आता हूं मैं. ऑल द अबव फैक्टर्स अफेक्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ. ठीक है, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ जो चेंज होता है यही फैक्टर्स से होता है. ओके, तो अगर क्वेश्चन आया आंसर इन वन और टू सेंटेंस, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द पॉपुलेशन ग्रोथ, तो आएगा बर्थ रेट, डेथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड माइग्रेशन अफेक्ट्स द पॉपुलेशन ग्रोथ. ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट इज क्लियरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेचुरल चेंज इन पॉपुलेशन. Similarly, the migration of an individual or group constantly results in the change of population. The unchecked growth of population, मैंने बोला ना population count करना बहुत जरूरी है. अगर आपने population count नहीं किया, उसको check नहीं किया, so there will be a heavy pressure on the resources of a region. ठीक है, मतलब उधर का जो resources है वो कम पड़ जाएगा, और अगर resources कम पड़ गया और population ज़्यादा हुआ तो chaos हो सकता है. ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपको पॉपुलेशन को चेक करना है. ओके, ऑन द अदर हैंड अ कंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन विल लीड टू द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस इन द राइट प्रोपोर्शन. नाउ व्हाई अमेरिका, व्हाई ब्राजील, व्हाई रशिया, व्हाई जर्मनी, व्हाई दे आर सो डेवलप्ड, बिकॉज दे हैव अ कंट्रोल्ड पॉपुलेशन. And they have a controlled population, that's why they have proper resources. Okay. Now in India, we have abundant population. You know what is the population of our country according to 2011 census? कोई बता सकता है कि कितना population है अपने country का? Chat box पे मेरे को जरा reply करना. क्या population हो सकता है अपने country का? चलो देखते general knowledge कितना है आपका. ओके, मीत ने बोला है इट इज 130 crores. दीपिका ने एक अच्छा फिगर दिया है. ओके, आई एम गेटिंग गुड नंबर्स. ओके, महक हैज गिवन अ बिग नंबर. श्रेया हैज गिवन 135.26 crores. See, according to 2011, it was 121 crores. Abhi currently it is 135 crore ke aaspas. So the current population of a country is around 135 crores. And it is a huge number. Our population, we are number second in population. India ranks second in population. First is China. And there are only two countries in the world who have crossed 100 crore. बाकी कोई भी कंट्री 100 करोड़ तक गया नहीं है. थर्ड कंट्री जो है, इनफैक्ट जो अमेरिका यूएसए है, उसका ये पॉपुलेशन 45-50 करोड़ के बीच में ही है. समझा? सो देयर आर ओनली टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिन्होंने 100 करोड़ क्रॉस किया, उसमें से इंडिया है. इंडिया रैंक सेकेंड, चाइना रैंक फर्स्ट. बट अपने एरिया के हिसाब से अपना पॉपुलेशन ज्यादा है, वो भी ध्यान में रखना. सबसे पॉपुलेटेड स्टेट इन आर कंट्री, ये भी सुन लो ध्यान से, सबसे पॉपुलेटेड स्टेट इन आर कंट्री इज उत्तर प्रदेश विद अ पॉपुलेशन ऑफ 19 करोड़ एंड ऑड. विद द पॉपुलेशन ऑफ 19 करोड़ एंड ऑड. आपको मालूम है ब्राजील का पॉपुलेशन कितना है? ब्राजील का पॉपुलेशन भी 19 करोड़ है. Brazil is a country and Uttar Pradesh is a state. ठीक है, तो यूपी का population is equivalent to a country's population, that is Brazil. Brazil का population भी 19 करोड़ है. So in population wise we have abundant population. ठीक है, इसके लिए अपने यहाँ पे resources और population के बीच में थोड़ा imbalance है. Population ज्यादा है, resources कम है, तो हमको उसमें बैलेंस लेके आना है. ठीक है, तो
तो ये जो पैराग्राफ है वो ही बता रहा है कि यू शुड हैव कंट्रोल्ड पॉपुलेशन टू यूज द रिसोर्सेस जुडिशियसली, ठीक है। बट अभी क्या हो रहा है, विच हैज द लीस्ट पॉपुलेशन, वैटिकन सिटी इज द प्लेस विच हैज द लीस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। वैटिकन सिटी हैज द लीस्ट पॉपुलेशन थाउजेंड्स में, ठीक है। ओके, तो आपको ये समझ में आया पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में, और पॉपुलेशन को काउंट करना और उसको कंट्रोल रखना कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी राइट हैंड साइड में देखो टॉपिक दिया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अभी पॉपुलेशन जो डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, हमेशा अनइवन होता है। कोई भी कंट्री का लो, द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज अनइवन। अनइवन मतलब क्या, बैलेंस्ड नहीं रहता है। उसका रीजंस है, ठीक है। उसका रीजन क्या है वो भी मैं बताता हूँ। अभी ये पैराग्राफ पढ़ता हूँ, ध्यान देना है पे ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन वाला। सिमिलरली वी कैन अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन अ रीजन। सब रीजन्स आर माउंटेनस वाइल अदर्स आर फ्लैट प्लेन्स, ठीक है। तो आपको माउंटेन्स पे ज्यादा पॉपुलेशन नहीं मिलेगा, बट आपको फ्लैट प्लेन्स में ज्यादा पॉपुलेशन मिलेगा। तो जहां जहां पे भी प्लेन एरिया है ना, उधर ज्यादा पॉपुलेशन मिलेगा, और जहां जहां पर भी माउंटेन है वहां पे कम मिलेगा। इसके लिए इंडिया में जब आप आओगे ना, तो इंडिया में हिमालयाज में आपको पॉपुलेशन कम मिलेगा, बट आप पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो आपको ज्यादा पॉपुलेशन क्यों मिलेगा, बिकॉज वहां पे प्लेन एरिया है, ठीक है। प्लेन एरिया इसके लिए वहां पे सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब बनाना बहुत आसान है, बट माउंटेन्स पे आपको रोड बनाना, रेलवे ट्रैक बनाना बहुत डिफिकल्ट है। इवन एग्रीकल्चर इज पॉसिबल इन प्लेन एरिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाइल अदर्स आर फ्लैट प्लेन्स, ज्योग्राफिकल कंडीशंस वेरी, सम रीजन्स आर वेल एंडाउड। एंडाउड मतलब गिफ्टेड, चाहे तो उधर लिख लेना अंडरलाइन करके, एंडाउड मीन्स गिफ्टेड, ठीक है। सम ज्योग्राफिकल कंडीशन एंड सम रीजन्स आर वेल एंडाउड विथ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज पहले से अवेलेबल है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पंजाब और हरियाणा में जाएंगे या उत्तर प्रदेश में जाएंगे, वहां पे फर्टाइल सॉइल है, ठीक है। दे हैव फर्टाइल सॉइल, इसके लिए एग्रीकल्चर बहुत होता है वहां पे। वैसे ही अगर आप झारखंड और छत्तीसगढ़ में आओगे, इंडिया में झारखंड और छत्तीसगढ़ देर आर टू स्टेट्स, वहां पे मिनरल्स बहुत मिलता है, कोल आयन, ठीक है। तो वहां पे कैसे माइनिंग और इंडस्ट्रीज बहुत है, तो कुछ कुछ एरिया में ना रिसोर्सेस है, और वो रिसोर्सेस के वजह से वहां पे पॉपुलेशन है, क्योंकि रिसोर्सेस होगा तो ऑक्यूपेशन होगा, और ऑक्यूपेशन होगा तो पॉपुलेशन आएगा। समझ में आ रहा है, लोग वहां पे जाएंगे जहां पे उनको काम मिलेगा, ओके। तो झारखंड, छत्तीसगढ़, मुंबई, ठीक है, महाराष्ट्र, पंजाब, ये सब कैसे है, यहाँ पे रिसोर्सेस है, इसके लिए यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है। एंड अदर्स हैव लिमिटेड रिसोर्सेस। अभी अगर आप राजस्थान जाओगे तो राजस्थान में कैसा है कि देर इज नो प्रॉपर वाटर सप्लाई, देर इज द क्लाइमेटिक कंडीशन इज नॉट गुड, इसके लिए वहां पे आपको पॉपुलेशन ज्यादा नहीं मिलता है, बिकॉज उधर रिसोर्सेज भी इजीली अवेलेबल नहीं है, और वहां पे कैसा है, द कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल फॉर ह्यूमन टू स्टे, इसके लिए उधर आपको पॉपुलेशन कम मिलता है, बिकॉज दे हैव लिमिटेड रिसोर्सेस एंड दिस कंडीशंस अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो पॉपुलेशन कोई भी कंट्री का देखेंगे ना, तो इवन नहीं है, अनइवन ही होगा, ठीक है। चलो मैं सेकंड पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। इन एरियाज विद एबंडेंट रिसोर्सेज नेचुरली द पॉपुलेशन इज मोर, ठीक है। इन दिस एरियाज देर इज डेंस पॉपुलेशन, डेंस बोलेगा तो बहुत ज्यादा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं इंडिया का, तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सब स्टेट्स में ना डेंस पॉपुलेशन, ठीक है। बट मैं बात करूं राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, तो ये जो स्टेट्स है ना इंडिया के, यहाँ पे द पॉपुलेशन इज स्पार्स, कम है, ठीक है। व्हाई? बिकॉज द रिसोर्सेज आर नॉट इजीली अवेलेबल, दे हैव अनफेवरेबल क्लाइमेट। अनफेवरेबल मतलब कि आप रह नहीं सकते। आप राजस्थान जाएंगे तो बहुत गर्मी है, और अगर आप जम्मू कश्मीर जाओगे तो बहुत ठंडी है, ठीक है, मॉडरेट क्लाइमेट नहीं है। अनड्यूलेटिंग टेरेन, अनड्यूलेटिंग का मतलब क्या है, अनइवन, ऊपर नीचे, उधर का जो लैंडफॉर्म है ना वो ऊपर नीचे है, फ्लैट नहीं है। टेरेन मतलब लैंडफॉर्म, सरफेस, तो अनड्यूलेटिंग टेरेन एक्सेट्रा।
पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज स्पार्स, ये रीजन है कि उधर का पॉपुलेशन कम क्यों है. आर वी क्लियर विद दिस? ओके, मैं यहां पर ये टॉपिक को रोकूंगा. आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हो.